हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन एकेडमी यूजीसी नेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आईसीटी सेशन आप सबके सामने लेकर मैं आ गई हूँ। और आज का टॉपिक, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है वो रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इस क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूँ या इस टॉपिक पर क्वेश्चन की हम बात करें, तो नॉट जस्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बट जिस भी एग्जामिनेशन का के अंदर आप लोगों का बेसिक कंप्यूटर का पार्ट आता है, आईसीटी का पार्ट आता है, आप सभी लोगों से इस डोमेन पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए बट क्वेश्चन इस डोमेन से रिलेटेड होता है। तो क्या क्या होता है ये सारी कहानी इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पीपीटी ये डिज़ाइन करी है, कोशिश करी है कि आप लोगों को एक बहुत एंटरटेनिंग वे के अंदर हम डिलीवर कर सके। तो एक बार जल्दी से मेरा एवीपी मुझे चेक करा दीजिए और वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर करिए, सो दैट हम सभी लोग मिलकर लर्न करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे। वेरी गुड मॉर्निंग जानकी, जेआरएफ, सलोनी, हरिओम, अंकिता, एमडी, प्रीति, रूबी, प्रिंसी, शीतल, श्रेया, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार एवी मेरा चेक करा दो सो दैट वी कैन स्टार्ट। ऑल क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरा नाम अदिति शर्मा है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अनअकैडमी यूजीसी नेट इस यूट्यूब चैनल पर आप मुझे सर्च कर सकते हो, ऑफकोर्स बाय माई नेम। आपको दोनों ही जगह मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों के लिए इस प्रोफाइल से मैं डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ, पेपर वन की भी और पेपर टू की भी, जो कि आप लोगों की फ्री भी होती है और पेड भी होती है। तो अनअकैडमी प्लस आप लोगों के लिए पेड होता है और स्पेशल क्लासेस आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दोनों में ही रेफरल कोड अदिति टेन आप कंसिडर कर सकते हो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए। ये मेरा पूरा स्केड्यूल है, किस वक्त कहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों के सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पर, जैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक के बारे में। अनअकैडमी प्लस क्या है? प्लस मतलब होता है कुछ बेहतर और कुछ एक्स्ट्रा। तो जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा है या जो आप लोगों को अपनी शायद सेल्फ स्टडी से नहीं मिलता है, वो हम कुछ आप लोगों के लिए लेके आते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में। यानी कि आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिलता है, आप लोगों का नॉट सिलेक्टिव, कंप्लीट थ्योरी कोर्स मैं आप लोगों को करवाती हूँ यहाँ पर। और मेरे साथ साथ जितने भी एजुकेटर्स हैं, सारे के सारे एजुकेटर्स आपको प्लस में मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स उनका होता है आपके पास में, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, आप किसी भी क्लास को कभी भी देख सकते हो। अगर आप आज प्लस ज्वाइन करते हो तो 2 साल पुरानी प्लस क्लास भी आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से लाइव सेशंस आप लोगों को मिलते हैं। आप ऑडियंस के साथ में, यानी आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में एक बैच आप लोगों का बन जाता है। और इससे आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होती है कि किस तरीके का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जो आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ आइकॉनिक जो है वो प्लस से भी बेहतर होता है, जहाँ पर प्लस के सभी फीचर्स तो एनरोल्ड है ही ऑलरेडी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मिलता है एक्सपर्ट गाइडेंस। चाहे आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हो या फिर आपने तैयारी शुरू कर दी है बहुत पहले और फिर भी आप लोगों का एग्जामिनेशन में क्वालिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है आपको, तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो इसीलिए आप लोगों का पूरा एनालिटिक्स है जो तैयार किया जाता है, उसके बाद में एक्सपर्ट जो है वो आप लोगों से डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि आप क्या बेटर कर सकते हो। इस तरीके के सारे फीचर्स हैं जो आपको आइकॉनिक पर मिलते हैं। सबसे खास बात अनअकैडमी की कि नॉमिनल फीस के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो भी सब्सक्रिप्शन होता है। सबसे पॉपुलर सब्सक्रिप्शन ऑफकोर्स 12 मंथ वाला है, 58% ऑलरेडी ऑफ है अनअकैडमी पर और 10% ऑफ आप लोगों को मिल जाता है रेफरल कोड लगा के, विच इज अदिति 10। तो अगर आपका मन करे तो जरूर इसे कंसिडर करिएगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए। प्लस पर जो जो फीचर्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों के आइकॉनिक की, तो इनके साथ में ये सारे एडिड फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं। पर्सनल फेवरेट मेरा अगर आप पूछेंगे तो वो है आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन के लिए आप सभी लोग एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने फेवरेट एजुकेटर से फ़ोन पर बात भी
कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। अगर आप ये सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने, जिससे भी आप लोग डिसाइड करते हो। अगेन जो लिखा है वो पे नहीं करना है, इस पे 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा रेफरल कोड लगा के, और 10% डिस्काउंट मिलता है आप लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर रिडीम करके, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस देख के होती है। जैसे हमारी स्पेशल क्लास 11 बजे होती है, तो अगर आप वो देखते हैं तो आपको क्रेडिट मिलता है, उसे आप रिडीम करके और 10% क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ईएमआई को आप लोगों के पास में अवेलेबल होती है, नो कॉस्ट ईएमआई भी आप कर सकते हैं, यानी आपको मंथली पे करना होगा, एक साथ नहीं पे करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के फायदे में आती है। अन अकेडमी के फायदों के बारे में मैं आप सभी लोगों से ये सारी चीजें तो डिस्कस कर ही रही थी, बट अभी जो कुछ बेहतर या कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि हमारा जो कंप्यूटर जनरेशन है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं और क्यों ये सारे चेंजेस आए हैं। अब जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले होते हैं उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसी के लिए मैंने ये GIF आप लोगों के सामने लगाया है। मेरे यहाँ लेफ्ट पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक GIF है जिसके अंदर एक प्राणी है जो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर बहुत स्लो है और उसका काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं, राइट। और ये इतनी तेजी से अपना काम कर पा रहे हैं, काफी खुश है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस है जो यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। वो क्या चेंजेस है जिसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी तेज हो गई, इतना खुश ये हो गया, और क्या प्रॉब्लम थी इसके साथ में जो इतना गुस्सा इसे आ रहा है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में हमको क्या जरूरत पड़ी थी, नई नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ी थी, और जनरेशन बाय जनरेशन चीजें इम्प्रोवाइज हुई। तो क्यों हम ये पढ़ रहे हैं वो आपको इस पिक्चर से शो करने की कोशिश है कि यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, क्या हम लोग करना चाहते हैं ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो यही है आपका कंप्लीट जर्नी ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आप लोगों से यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों से कभी कभी ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत रेयर है, जरूरी नहीं है। आप लोगों से पूछी जाती है टेक्नोलॉजी ईयर वाइज, आप लोगों से मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पर आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा मतलब ये है आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई पहली जनरेशन में क्या यूज हुआ था, इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज हुआ था, प्रोसेसर कैसे बनता था, राइट, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, राइट, एग्जाम्पल्स आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर का क्या एग्जाम्पल है, लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर का क्या एग्जाम्पल है। फिर आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम पूछे जाते हैं लोगों के जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपके सामने आएंगे, जिसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के टॉपिक के अंदर। तो कुल मिला के बात ऐसी कि इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो हर बार आपने देखने मिलते हैं। अगर मैं अब आप लोगों से बात करूं कि ये कंप्लीट जनरेशन कहां से कहां मूव किया है, तो हम यहां से यहां तक आ चुके हैं, और ये भी क्या है, ये भी अभी पुराना हो गया है क्योंकि हम तो इससे भी लेटेस्ट पे आ चुके हैं, बट अगेन फिफ्थ जनरेशन जब स्टार्ट हुआ था तो हमने इसी तरीके के कंप्यूटर्स देखे थे। तो आप लोगों का फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन आप सब देख पा रहे होंगे कि साइज में सबसे पहली बात तो डिक्रीज हो रहा है, जो सबसे विजिबल पार्ट है यहां पर, है ना, कि साइज डिक्रीज हो रहा है, और साइज के साथ साथ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है जो हम लोगों को मिल रहा है। कहीं कहीं पर आप सभी लोगों ने यहां पर सिक्स्थ जनरेशन का भी जिक्र सुना होगा, ऑल दो फिफ्थ जनरेशन के बाद में हम बियॉन्ड को फिफ्थ में ही मानते हैं। कुछ कुछ किताबों पे या कुछ कुछ वेबसाइट्स पे, स्पेशली कुछ .com वेबसाइट्स पे आप लोगों को मिलता है सिक्स्थ जनरेशन भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिफ्थ के बाद हमारे लिए सारी की सारी फिफ्थ के अंदर ही आती है, ठीक है ना। तो कहां से हम कहां आ गए हैं ये आपको कुछ भी अभी याद नहीं रखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को तीन टेबल्स दूंगी, दो टेबल्स और एक डायग्राम दिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को आज की पूरी क्लास की समरी समझ में आ जाएगी और आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब याद हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ आराम से बैठिए और जैसे कि मूवी देखते हैं ना वैसे बिल्कुल एंजॉय करिए, क्योंकि आपको वो सारी चीजें मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, कुछ भी आप लोगों को ज्यादा नहीं परेशान होना है। तो एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं कि पहली जनरेशन में क्या हुआ, दूसरी जनरेशन में क्या हुआ, ये सारी कहानी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर की नीड कहाँ पे आई थी। तो नीड आई थी कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान बनाना था,
जो कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग नहीं कर पा रहा था वो हम लोग करना चाहते थे। और इसीलिए 1930s 1940s के अंदर ये आइडिया जो है वो क्रिएट किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे कैलकुलेटर्स हम लोग बना रहे थे उन कैलकुलेटर्स की जगह हम अब क्या बनाएंगे, हम एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हम कुछ भी इनपुट दें वो उसे प्रोसेस करें और प्रोसेस करके आपको आउटपुट जनरेट करें, और वो भी कौन सा, जो कि डिजायर्ड आउटपुट है। इफ यू रिमेंबर तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यही चीज बताई थी कि हमारे पास में डेटा आता है जो कि एज एन इनपुट आता है। इस डेटा को मैं क्या करती हूँ, एक डिवाइस को देती हूँ, ये डिवाइस इसे क्या करता है, ये डिवाइस इसे करता है प्रोसेस, और प्रोसेस करके आपको देता है आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन। सही बात है, यानी कि जो मेरा डेटा है उसे मैं यूजफुल डेटा में कन्वर्ट कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ यूजिंग अ प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस ये करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप लोगों का डिवाइस रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसका बनाना स्टार्ट किया था, कौन कौन से कैलकुलेटर्स जो आए थे, पहले एडिशन आया था, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर लॉग, फिर ये, फिर वो। आप सबने सुना होगा पास्कल, है ना, ब्लेज पास्कल सर का नाम सुना होगा जिन्होंने सबसे एडवांस कैलकुलेटर बनाया था। उसके बाद में बहुत सारे इन्वेंशंस और हुए, जैसे चार्ल्स बैबेज सर आए और उन्होंने डिफरेंशियल इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया, लेडी एडा आई, उन्होंने प्रोग्रामिंग यहाँ पर करके दिखाई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने करके दिखाई। अभी सब याद नहीं रखना है, अगली क्लास में मैं सबकी लिस्ट दे दूंगी आप लोगों को। कुल मिला के बात ऐसी कि उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, बहुत सारी चीज़ें करी, और करके उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक ऐसी डिवाइस बनाएंगे जो ये सारा काम खुद ही से संभाले, नॉट मेयरली कैलकुलेशन बट कैलकुलेशन से बियॉन्ड भी कुछ आप लोगों को करके दिखाए। तो वो बियॉन्ड क्या था, वो बियॉन्ड पहली जनरेशन में हमको देखने मिला, यानी कि ये अब तक की हिस्ट्री का है ना, 1942 माना जाता है इसका इनिशियल फर्स्ट जनरेशन का। तो 1940 तक जो भी अपडेट्स हुए थे कंप्यूटिंग हिस्ट्री के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पर लगाकर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बनाया गया। किस तरीके का दिखता था तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके के डायग्राम आप लोगों के सामने, पिक्चर्स आपके सामने हैं कि इस तरीके का आप लोगों का दिखता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इतना बड़ा, बिल्कुल सही बात है, पूरा का पूरा एक रूम जितना बड़ा आप लोगों का एक कंप्यूटर होता था और कुछ इस तरीके का ये दिखता था। अगर आप सभी लोग इनको पहचान पा रहे हैं, ये पिक्चर मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, तो ये और कोई नहीं है, ये है वॉन न्यूमैन सर। राइट, ये है वॉन न्यूमैन सर, और इन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर लिखा था, इफ यू रिमेंबर। राइट, तो ये भी एसोसिएटेड है आप लोगों के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही, क्योंकि इन्होंने ही आप लोगों को क्या दिया था, इन्होंने ही आप लोगों को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था, जिसका क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर किसने दिया था। तो यही है वॉन न्यूमैन सर, जिन्होंने इस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपको दिया था कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो अब आप अगर इस कंप्यूटर को ध्यान से देखो, या इसका अगर साइड व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा ये कंप्यूटर है, बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे वायर्स यहाँ पर आप लोगों के लगे हुए हैं। क्या काम होता था, कैसे काम होता था, थोड़ा बहुत बेसिक हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट एक चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि यहाँ पर जो वर्किंग एंटिटी होती थी वो क्या होती थी। कुल मिला के बात ऐसी कि इस डिवाइस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता था, जो प्रोसेस करता था, और प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेस करने वाले डिवाइस को ही हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। तो आप लोगों से जब भी मैं बोलूं प्रोसेसर, या आप लोगों को जब भी बोला जाएगा सीपीयू, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी से प्रोसेसर बनाया जाता था। सबसे बड़ा फर्क टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहाँ से आया है, यहीं से आया है। इनपुट आउटपुट देने के तरीके, लेने के तरीके, और कंप्यूटर की साइज, कंप्यूटर का पावर कंजम्पशन, ये तमाम चीज़ें चेंज हुई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेंज हुई है वो क्या है हमारे लिए, सीपीयू, या फिर प्रोसेसर यूनिट जिसको हम बोलते हैं। तो आपका ये जो प्रोसेसर है, पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर यूज़ किया जाता था, और ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है बहुत लार्ज इन साइज होती थी, है ना। अब क्योंकि ये इतनी लार्ज इन साइज होती थी, और क्योंकि ये इतना हैवी होती थी, हैवी इन द टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन, कि ये कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव माने जाते थे। इसको याद रखने का एकमात्र तरीका क्या है, आप सोच के देखो आज के ज़माने में कंप्यूटर कितने घरों में है, आज चल रहा है 2021 आज के टाइम पे कितने लोगों के पास में कंप्यूटर है, और आप इमेजिन करो 1942 तब कितने लोगों के पास में कंप्यूटर होता था। तो क्या वहाँ पे लोगों के पास में पैसे नहीं होते थे, भाई बिल्कुल पैसे होते थे, है ना, इंडिया तो सोने की चिड़िया कहलाता था उस टाइम पे, तो मतलब तो सब इंडियन के पास में कंप्यूटर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर्स एक्सपेंसिव थे, बोथ इन द टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज इन द टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी। आपके पास में इतने कंप्यूटर्स ही नहीं बने हुए थे कि लोग खरीद पाए,
है ना, और ना ही ये पॉसिबल था कि सब लोग अपने घर के अंदर, सोचो अपना पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहले तो उसको एक पर्सनल रूम बनाना पड़ेगा, पूरे एक रूम के अंदर उसको उस कंप्यूटर को रखना पड़ेगा, और यहाँ पर इनपुट देके आउटपुट निकालना भी कॉमन लोगों की बात नहीं थी, ये सिर्फ कौन कर सकता था, कोई भी इंजीनियर या कोई भी टेक्निकल असिस्टेंट ही कर सकता था इनपुट देके आउटपुट निकालना। ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे, बहुत रेयर होते थे, बहुत ही ज्यादा लार्ज होते थे, और इनका पावर कंजम्पशन होता था बहुत ही ज्यादा। अफोर्डेबल ये बिल्कुल भी नहीं होते थे आम आदमी के लिए, जैसे कि आज है कि हर इंसान के पास में कुछ हो या ना हो लैपटॉप या कंप्यूटर या स्मार्टफोन डेफिनेटली होता है, वैसा नहीं था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जमाने के कंप्यूटर्स के अंदर किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, तो इस जमाने के अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पर यूज किया जाता था। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में। फिलहाल टर्म याद रखेगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपसे ये भी पूछा जाता है, चलो प्रोसेसर की बात हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई, दो मेन यूनिट्स की बात हो गई, अब बात होती है कि मैम कुल मिला के काम तो ये ना कि इनपुट से आउटपुट निकालना है, तो इनपुट कैसे दिया जाता था? भाई इनपुट दिया जाता था पंच कार्ड्स का यूज करके। किनका यूज करा जाता था? पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था। अभी मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, पंच कार्ड देखिए कुछ इस तरीके के दिखते थे ये पंच कार्ड्स, है ना। ये पंच कार्ड्स अगर आप देख पा रहे हैं इसको, तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल स्लैब है आप लोगों का। इस स्लैब पे इस तरीके से होल्स बने हुए हैं, और होल्स के अंदर कुछ होल्स है जो आप लोगों को दिख रहे हैं हॉलो, और कुछ होल्स है जो आप लोगों को दिख रहे हैं फिल्ड। तो ये बेसिकली क्या था, एक तरीका था। अब इसको पंच कार्ड रीडर जो इस तरीके का दिखता था, इस पंच कार्ड रीडर के अंदर डाला जाता था। वो रीडर समझ लेता था कि जहां जहां पर हॉलो है वहां वहां पर क्या सिंबल है, और जहां जहां पर क्या है फिल्ड है वहां वहां पर क्या सिंबल है। इस तरीके से हर कार्ड पे ऐसा कुछ होता था। देखो बहुत सारे कार्ड होते थे, तो एक एक करके हम कार्ड्स वहां पर डालते थे, पंच कार्ड रीडर उसे रीड करता था और फिर एग्जीक्यूट करता था। बिल्कुल सेम जैसे आज के जमाने में आप सभी लोगों ने बारकोड रीडर तो देखा ही होगा, है ना, बारकोड रीडर देखा होगा, MICR देखा होगा, डेफिनेटली आपने ये सारी चीजें देखी है। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, या फिर आप सभी लोग बैंक तो डेफिनेटली गए होंगे, तो पासबुक आप लोग कंप्लीट करवाते हो, पासबुक कंप्लीट करवाते समय आपने देखा होगा, अब तो मैन्युअली भी हो जाती है ये चीजें, मतलब मैन्युअली होती थी, अब तो क्या है कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, आपके पास में पासबुक रीडर होता है, उसके अंदर आप डालते हैं अपनी पासबुक को, इंसर्ट करते हैं, वो बारकोड रीड करता है, है ना, वैलिडेट करता है कि क्या ये ऑथेंटिक यूजर है, और उसके बाद में आपकी पासबुक फिल हो जाती है। तो वो क्या करता है, रीड करता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा होता था। आपने इनपुट दिया, उसने रीड किया, आउटपुट दिया क्या आपकी पासबुक फिल करके, बिल्कुल वैसे ही पंच कार्ड के लिए हमारे पास में पंच कार्ड रीडर होता था, जो क्या करता था पंच कार्ड्स के फॉर्म के अंदर जो भी आपको इनपुट देना है वो रीड करता था, और उसके बाद में उसका आउटपुट देता था। अब बात यह आ जाती है कि इनपुट तो समझ में आ गया, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी टाइप ऑफ मेमोरीज यहाँ पर यूज होती थी, एंशियंट टेक्नोलॉजी है आप लोगों से पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मैग्नेटिक टेप्स थी जो यहाँ पर यूज किए जाते थे। ये बिल्कुल वैसे ही होती है इफ यू रिमेम्बर, तो जैसे आप लोगों ने कैसेट देखी थी ना, तो कैसेट के अंदर नहीं होता था कि एक आपकी फ्रिल होती थी ब्लैक कलर की, है ना, मैग्नेटिक, तो वही चीज है, वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती थी। एंशियंट है, अभी भी कभी कभी यूज हो जाती होगी, कहीं कहीं यूज हो जाती होगी, बट अब एंशियंट ही मान लीजिए, ऑब्सोलेट ही है ऑलमोस्ट, है ना, कोई खास काम नहीं आता है अब इसका। पेपर ट्यूब्स हो गई, ये आपकी मेमोरी के लिए यूज होती थी उस समय पर। ये भी समझ में आ गया क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर समझाए थे, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्या काम कैसे होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है। तो अब मैं मानती हूँ कि मैं आप लोगों को अगर बोल रही हूँ कि मेमोरी में ये यूज़ होता था, इसमें ये यूज़ होता, तो आप अपने आप समझ सकते हो कि अच्छा हाँ, कि मेरे पास में हार्डवेयर है, उसको मुझे काम में लेना है, उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, क्यों मैं डायरेक्टली मशीन से बात नहीं कर सकती। सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरीके के हैं, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है जो आप लोगों का इंटरमीडिएट डेटा को सेव करके रखेगा। वाई प्रोसेसिंग, आप लोगों को एक मेमोरी डिवाइस चाहिए होगी तो वो आप लोगों के लिए रखेगा। तो वो कौन से यूज़ होते थे आप लोगों के मैग्नेटिक टेप्स, पेपर टेप्स, ये सारी चीज़ें यूज होती थी। इनपुट कैसे दिया जाता था, पंच कार्ड्स के फॉर्म में दिया जाता था। इन सभी इंटरेक्शन के लिए, अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप लोगों का पंच कार्ड रीडर को हम कमांड देंगे कि रीड कर ले भाई पंच कार्ड, और वो रीड कर लेगा, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। कैसे रीड करेगा, कहाँ से डेटा उठाएगा, कहाँ प्रोसेस करेगा, इन सब के लिए इसके पास में कोई लैंग्वेज तो होनी चाहिए, और वो लैंग्वेज क्या होती थी, वो जीरो और वन वाली लैंग्वेज होती थी। ये जैसे कि
आज के जमाने के अंदर मैं आप सभी लोगों से बोलती हूँ कि हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। आप सब लोग सुनते होंगे ना कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, मशीन लर्निंग का जमाना चल रहा है, तो आज के जमाने में पाइथन, रूबी, इस तरीके की लैंग्वेजेस आप सुनते होंगे। बट इनिशियली एंशियंट टाइम के अंदर हमारे पास में ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं होती थी, और इसीलिए कि इतना मुश्किल होता था खरीदना, एक्सपेंसिव। मैं जो आपको समझा रही थी, इट्स नॉट जस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट वाइज, मनी वाइज नहीं, अफोर्डेबिलिटी वाइज बहुत डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि हर किसी को मशीन लैंग्वेज नहीं आती होगी ना। जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है या जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझता है, सिर्फ उसको मशीन लैंग्वेज आती थी। तो इसीलिए सिर्फ वही लोग थे जो इसे यूज कर पाते थे। तो मशीन लैंग्वेज यहाँ पर आप लोगों की यूज होती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि आप लोगों का INEC, आप लोगों का UNIVAC, आप लोगों का EDVAC, आप लोगों का IBM 650, IBM 701। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, डायरेक्टली मैचर कॉलम में आप लोगों को दिए जाएंगे और आप लोगों से इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इन सब की फुल फॉर्म्स आप लोगों से पूछी जाती है, और इन सब की फुल फॉर्म्स आप लोगों को आती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, IBM की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, 650 की कोई फुल फॉर्म नहीं होगी, 70 की भी कोई फुल फॉर्म नहीं होगी, 701 की भी। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स भी है जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सारी की सारी टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर यूज होती थी, जो कि मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं। अगर अब आप सभी लोग समझ गए हैं कि क्या होता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, कौन है ये, क्या काम होता था, कैसा दिखता था, तो मुझे लगता है कि पिक्चर ज़्यादा क्लियर है कि अच्छा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऐसे होते थे। क्योंकि आपको याद है ना कि हमको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, हम आज के ज़माने के कंप्यूटर्स पे पहुँचना चाहते हैं, बट एक इमेज तो होनी चाहिए ना कि अच्छा पहले जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा होता था। तो ये याद रखिएगा कि इसकी टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से, प्रोसेसर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, एग्जाम्पल से, साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी मेमोरी यूनिट से और इसके इनपुट आउटपुट यूनिट से। ये पांच चीज़ें हैं जो आप लोगों से पूछी जाएगी किसी भी जनरेशन में। तो उसका सारा का सारा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इंक्लूडिंग ऑल द फुल फॉर्म्स, ठीक है जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो मैं PDF डाल दूंगी। लास्ट क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि PDF खुल नहीं रही थी, जो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं खुल रही थी, क्योंकि मैंने तो दे दी थी एडिटर को। बट एनीवेज, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो पहली बार पढ़ रहे स्पेशली वो तो ले ही ले, और अपने खुद के नोट्स बना लेना, नहीं तो PDF मैं और भी खुद से पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तो पूछ लो। फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ठीक है, हिंदी में स्लाइड्स नहीं है मेरे पास प्रीति, ठीक है। ICT या कंप्यूटर मैं हिंदी में नहीं पढ़ा सकती। आप ये सारे चीज़ों को करेंगे क्या, आपके पास में PDF आ जाएगी, तो PDF में से टेक्स्ट को कॉपी कर लेना और गूगल ट्रांसलेट में जाके ट्रांसलेट करके उसको आप हिंदी में पढ़ लेना, क्योंकि मेरे पास में कंटेंट हमेशा इंग्लिश में ही अवेलेबल होगा आपको, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ICT और कंप्यूटर की। बाकी सबके लिए तो मैं हिंदी में कंटेंट आपको दे सकती हूँ, बट ICT हिंदी में पढ़ोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इससे बेटर है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ो। नहीं भाई, कोई आउटपुट के लिए लैपटॉप नहीं, मतलब मॉनिटर नहीं होता था आपके पास में, इसी तरीके से आउटपुट आपको जनरेट करके रीड करना पड़ता था, क्लियर है ना। कोई इशू नहीं है सेकेंड जनरेशन में, मान लो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर मैं बात करूं सबसे एंशियंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो सबसे एंशियंट ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ईयर का हेयर फेयर चलेगा, और आप सब लोगों ने देखेगा कि कहीं फर्स्ट जनरेशन का ईयर कुछ और लिखा है, कहीं कुछ और लिखा होगा। तो इसीलिए कई वेबसाइट्स ने उसे सेकेंड जनरेशन में दिखाया, कुछ उसे फर्स्ट में दिखाएंगे, बट जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मेरी तरफ से मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए कभी भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना। अगर आप कहीं पढ़ते हो सेकेंड जनरेशन, तो ईयर रिमेंबर कर लीजिएगा, 42 से 45 के बाद में आप लोगों का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो अब वो चाहे फर्स्ट जनरेशन मानो या सेकेंड जनरेशन मानो, बट सबसे एंशियंट टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो थोड़ा अपर डोमेन की तरफ सोच के समझने की कोशिश हम यहां पर करेंगे, और मैंने ये आप लोगों को पिछले बैच में भी बताया था, मैं ये इस बैच में भी बताती हूं कि कभी भी ICT बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को .com वेबसाइट से पढ़ के उसका भरोसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी लिखा हो। ये मैं आपको फिर बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है
कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। अब भले ही कोई मैथ्स भी पढ़ाता हो वो भी साथ में कंप्यूटर के नोट्स आपको देगा, भले ही कोई रीजनिंग भी पढ़ाता हो वो भी आपको कंप्यूटर के नोट्स देगा। हर कोई है जो आपको कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर के करके नोट्स देता है, पीडीएफ देता है, 600 क्वेश्चंस दे देता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि वो सब इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इट्स कमर्शियल नीड, है ना। बहुत सारे बच्चे 25 लाख लोग हैं जो एसएससी का फॉर्म भरते हैं, कंप्यूटर उसके अंदर भी आता है, बैंक के अंदर भी आता है। तो जो सभी लोग हैं ना वो सब आपको कंप्यूटर के नोट्स देंगे, बट जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपको ऑथेंटिक चीज बताएं। क्यों? क्योंकि उनका वो फोर्टे नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उनका वो फोर्टे नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि ये चीज फोर्टे वाइज डिवाइडेड होती है, जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो उसी में स्पेशलाइजेशन करता है, बाकी सारी चीजें तो वो इस तरीके से आपको पढ़ा देता है। जैसे मैं आपको हमेशा बोल देती हूँ कि हायर एजुकेशन में मेरा कोई डोमेन नहीं है, मैं बिल्कुल आपको हायर एजुकेशन नहीं बताऊंगी। वैसे ही मैं आपको बोल देती हूँ कि आईसीटी मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरा डोमेन है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको कोशिश यही करूंगी कि सबसे ऑथेंटिक बताऊं। फिर भी हो सकता है गलती हो जाए, ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होगी, हो सकता है गलती हो जाए तो मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, ओके। बट .com वेबसाइट के डाउट्स यहाँ पर नहीं लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि .com वेबसाइट पे भरोसा नहीं करना है। हाँ, .org पे करो, .org पे जो भी चीज लिखी होगी वो 100% करेक्ट लिखी होगी, ठीक है जी। आ गया, अब वीडियो को यार आप लोग ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, मैंने इतनी मेहनत से पीपीटी आप लोगों के लिए डिजाइन करी है एंड आई डोंट सी द ऑडियंस राइट नाउ, तो ऐसे नहीं होना है, वीडियो को शेयर प्रॉपर करना है ना। चल आप सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं, देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का साइज चेंज हो गया। सबसे पहली बात तो जो उस बड़े से कंप्यूटर को आप देखते थे, उस बड़े से कंप्यूटर से आप लोग अब थोड़े छोटे साइज के कंप्यूटर्स पे आ गए हैं। कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है कि क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन करते हैं, है ना। व्यक्ति भी चेंज हो गया है, उसका सूट भी चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें जो चेंज हो गई है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर साइज में भी छोटे होते थे और पावर को भी कम कंज्यूम करते थे। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि पहले जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रही थी ना, उन वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अब आप लोगों का ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे थे। क्या यूज होने लगे थे जी? ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे थे। ये ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं ये आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, कुल मिला के बात इतनी समझ लीजिए आईसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स नाम की एक चीज होती है। अब वही है कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। कुल मिला के बात ऐसी है कि आपके प्रोसेसर पे या आपके प्रोसेसर के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो आने लगी थी। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक डिजिटल डिवाइस है। अब उस डिजिटल डिवाइस के अंदर आप जीरोज एंड वन के फॉर्मेट के अंदर प्रोसेसिंग करते हो, और उस प्रोसेसिंग को टेक प्लेस करने के लिए या तो पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, और अब आपके पास में एक ऐसा नया डिवाइस आया था जो बनाया गया था लॉजिक गेट से, फ्लिप फ्लॉप से, इस तरीके के सर्किट्स आप लोगों के पास में होते थे, और उन सर्किट से आप लोगों का डेटा इनपुट लिया जाता था और इन्फॉर्मेशन आउटपुट दिया जाता था, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट मच टेक्निकल, बट नाम याद रखेंगे कि ये है क्या, प्रोसेसर को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते थे। अब ये कैसे दिखते थे, तो ये कुछ इस तरीके के दिखते थे। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का सेकेंड जनरेशन का एक कंप्यूटर है। आज के कंप्यूटर से अगर आप सभी लोग इसको कंपेयर करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आप सभी लोगों ने नाम सुना हो तो स्मिथसोनियन आप लोगों का इंस्टीट्यूशन था जो बहुत ज्यादा फेमस था उस समय पे 1950s के अंदर, और ये उन्हीं का डेवलप किया हुआ एक कंप्यूटर है जो कि सेकेंड जनरेशन के अंदर आता है, है ना। अब इसके अंदर आप लोगों को ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, इसको जूम करके थोड़ा यहां पर दिखा है, ये है आप लोगों का ट्रांजिस्टर, तो दिख पा रहा होगा ये एक तरीके का सर्किट आपको दिख रहा है, है ना। इस तरीके से वायर्स किस तरीके से इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ऑफ कोर्स आपके लिए कोई मतलब का नहीं, मैं बस दिखाना चाहती हूँ क्योंकि जब देख लेते हो चीज तो ज्यादा अच्छे से याद रहती है। तो ये ट्रांजिस्टर्स है जिसके अंदर इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि वायर कनेक्टिविटी हो रखी है, सर्किट आप लोगों का क्रिएट किया हुआ है, और सर्किट क्या करता है, सर्किट और कुछ नहीं, आप ही मानिए, बस उसमें इनपुट देते हो तो वो क्या करता है, उस इनपुट को मैन्युपुलेट करता है और फिर आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ऐसे इनपुट देके मैन्युपुलेशन करके आउटपुट आप लोग देखते थे, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख सकते हो कोई स्क्रीन नहीं है आउटपुट के लिए, यहाँ पर भी आउटपुट रीड करने के लिए कुछ और टेक्नोलॉजीज ही यूज होती है, बट यहाँ पर इस तरीके का ये दिखता है। बिल्कुल भी इसको देख के लग रहा है कि ये कंप्यूटर है, आज के जमाने के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है ये, बट हाँ यही आपका यूज होता था। इसके अंदर पावर कंजम्पशन कंपैरेटिवली क्या होता था, कम होता था फर्स्ट जनरेशन से, इसीलिए तो ये सेकंड जनरेशन है, इंप्रूव्ड जनरेशन है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये तेज होते थे,
जो आप लोगों के वैक्यूम ट्यूब्स होते थे ना, ना तो वो रिलायबल होती थी ना ही वो तेज होती थी, बट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की रिलायबिलिटी भी ज्यादा थी और ये कंपैरेटिवली वैक्यूम ट्यूब से तेज भी काम करते थे, ठीक है ना। यहां पर अब मशीन लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ी, अब यहां पर हम पढ़ेंगे आप लोगों का असेंबली लैंग्वेज, यानी कि है तो ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही, है ना। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगी तब और ज्यादा क्लियरली ये समझाऊंगी, बट आपके पास में या तो लो लेवल लैंग्वेज होती है या हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली हार्डवेयर को समझ में आती है, तो आपके लिए जहां पर मशीन लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है जीरो और वन के फॉर्मेट के अंदर, यहां पर आपकी असेंबली लैंग्वेज भी थी जो सिग्निफिकेंस में आने लगी थी। असेंबली लैंग्वेज जो है वो आप लोगों की असेंबली कोड से बनती है और इसे हम लोग बोलते हैं कि ये कैसी होती है, निमोनिक्स के अंदर होती है, है ना। निमोनिक्स के फॉर्म के अंदर आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो डिजिट से जिनको ऐड करवाना चाहती हूँ तो मैं कमांड दूंगी ऐड और फिर आप लोग ने जहां पर उन दो नंबर्स को सेव किया है, जैसे फॉर एग्जांपल R1 एंड R2, तो आप क्या करोगे कि रजिस्टर है ये, ठीक है, मेमोरी है एक तरीके की जहां पर डेटा को रखा हुआ है, R1 में जो डेटा रखा है और R2 में जो डेटा रखा है उनको क्या करना है, ऐड करना है। ये इंस्ट्रक्शन का मतलब है, असेंबली लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, और फिर उनको ऐड करके किस में सेव कर देना है, R1 में ही सेव कर देना है। इस तरीके से आप लोगों का कोडिंग काम करती थी, प्रोग्रामिंग काम करती थी। तो कुल मिला के बात करें तो मशीन लैंग्वेज की जगह जो कि जीरोज और वन के फॉर्मेट के अंदर होती थी, कंपैरेटिवली ये थोड़ी आसान हो गई है। अगर अब आप थोड़ा ध्यान इस चीज पर दो तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि धीरे धीरे मैम हम कंप्यूटर को आसान बनाते जा रहे थे। जहां पहले सिर्फ एक साइंटिस्ट उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहा था, एक टेक्निकल असिस्टेंट उस बात को समझ पा रहा था, क्योंकि 0-1 तो हमको समझ में नहीं आएगा ना, वो तो सिर्फ उसको समझ में आएगा जिसको 0-1 आती है भाषा। अब धीरे धीरे मैम, हाँ यार ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि ऐड R1 R2 लिखा है तो मतलब कुछ ना कुछ एडिशन से रिलेटेड हो रहा हो। बिल्कुल वैसे ही अब हम धीरे 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 यूजर की तरफ जा रहे हैं कि यूजर के लिए जो कंप्यूटर है वो फ्रेंडली हो जाए। अब आज के जमाने में जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि वो लो लेवल यानी कि हार्डवेयर से तो दूर हो गई है बट हमारे करीब हो गई है। हमको समझ में आती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के जमाने की, कैसी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं लिख के दूंगी ना प्रोग्राम तो आप सब चीज रीड कर लोगे, बिल्कुल इंग्लिश की जैसे लिखी हुई होती है, सबको पता होता है कि अच्छा हाँ ये चीजें लिखी हुई है। यही चीज है जो जनरेशन आप लोगों का इंप्रूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स को वैक्यूम ट्यूब से हमने रिप्लेस किया था तो इसीलिए कंप्यूटर की कॉस्ट डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स कंपैरेटिवली ज्यादा आप लोगों के लिए नॉन अफोर्डेबल कंडीशंस में होते थे, ट्रांजिस्टर्स के साथ में ऐसा नहीं था। बार बार नाम ट्रांजिस्टर का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें इनपुट अभी भी आप लोगों के पेपर टेप्स और पंच कार्ड से ही लिए जाते थे, इनपुट के लिए कोई इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं आई थी। और यहाँ पर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कैसे आता था, तो ये याद रखेंगे कि प्रिंटआउट्स के फॉर्म में, ये जो पेपर टेप होती थी ना इसमें प्रिंटआउट के फॉर्म के अंदर आपके पास में आउटपुट निकल के आता था, ठीक है ना। यहां से कुछ इस तरीके से यहां से आपके पास में आउटपुट जनरेट होता था और आउटपुट निकल के आता था, ठीक है जी। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे कि IBM 1620 हो गया, PDP-8 हो गया, CDC-1604 हो गया। पहले के जमाने के कंप्यूटर के नाम भी ज्यादा डिफिकल्ट होते थे, जैसे आज के जमाने के कंप्यूटर के नाम आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है, क्यों, क्योंकि वो अपने ब्रांड के नाम पे ही कंप्यूटर निकाल देता है, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंपनी आपने सुनी होगी तो वो मैकबुक निकाल देता है, मैकबुक प्रो निकाल देता है, राइट। उसी तरीके से डेल का कंप्यूटर सुना होगा, डेल का लैपटॉप सुना होगा तो वो डेल के नाम से ही निकाल देता है, लेनोवो का नाम सुना होगा तो लेनोवो निकाल देता है, थिंक पैड निकाल देता है। इस तरीके से आज के नाम आसान है क्यों, जो ह्यूमन बींग को याद रहे, ज़्यादा कैची हो। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था भाई, पहले के ज़माने के लोग जो है वो दिखावे में काम और काम में ज्यादा बिलीव, क्योंकि उनको तो बनाना था ना। अब तो बन चुकी है सारी टेक्नोलॉजी, तो आप उस पर इंप्रूव करना है उसे और उसके नाम बदलने हैं। अब पहले के जमाने में लोग काम करते थे और जो उनके दिमाग में साइंटिस्ट के नाम आता था जिसने क्रिएट किया है वो अपने नंबर के अकॉर्डिंग उसे प्रेजेंट कर देता था, है ना। पहले के जमाने के जो नाम है वो थोड़े डिफिकल्ट आपके होते थे, इस तरीके का कुछ दिखता था, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया। ये सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई। एक चीज और याद रखिएगा, कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया आप लोगों ने इनिशियली, अब तो ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, बट अब जो था ट्रांजिस्टर्स के आने के बाद में आपकी जो मैग्नेटिक कोर था उसे एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज करने लग गए थे, ठीक है ना।
तो मैग्नेटिक कोर भी यहीं पर निकल के आया था और मैग्नेटिक टेप के साथ में मैग्नेटिक डिस्क भी याद रखेंगे जो एज अ सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर यूज होने लगा था। कई जगहों पर आप लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर सेकेंड जनरेशन के अंदर आपका मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे हम एक इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी पे आ गए थे और मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट पे आ गए थे। पहले हम एक बारी में एक ही काम कर सकते थे बट अब हम एक कंप्यूटर पे एक बारी के अंदर एक से ज्यादा काम करवा सकते थे, इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है, कुछ आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस ही जो कि पहली लैंग्वेजेस आप मानोगे जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में जो पहली लैंग्वेज थी आप लोगों की वो आने लगी थी, जैसे कि आप लोगों का फोर्टन एंड आप लोगों का कोबोल, ये थी जो अब आप लोगों की सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आने लगी थी, है ना। फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये इसकी फुल फॉर्म होती है और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये आपकी कोबोल की फुल फॉर्म होती है। तो ये भी कहाँ देखी गई थी पहली बार, ये भी आपके सेकेंड जनरेशन में ही देखी गई थी, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब आपने देखा ही होगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं, कहाँ से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। तो इसी तरीके से इम्प्रूव्ड चीज़ों को सामने लेके आने के लिए हम फिर से लेके आ गए थे एक और नई टेक्नोलॉजी जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होता है। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि अब हम ज़्यादा ह्यूमन इंटरैक्टिव सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम ये कोशिश कर रहे थे कि ह्यूमन बींग को ये चीज़ें समझ में आने लगी, तो अब ज़्यादा कंप्यूटर्स अफोर्डेबल होने लगे। कुल मिला के बात ऐसी कि अब ये बात भी कर पा रही है कंप्यूटर से, बात मेरा मतलब ये नहीं कि अभी ये बात नहीं हुआ था भाई, वॉइस रिकग्नाइजेशन नहीं आया था, वो तो फिफ्थ जनरेशन में पढ़ेंगे हम लोग, बट हाँ बात ऐसी है कि इसको समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये मॉनिटर पे आउटपुट देख पा रही थी, खुश हो रही थी कि हाँ अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई थी, कुछ इस तरीके के साइज के कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन में आने लगे थे, यानी कंप्यूटर कुल मिला के और ज्यादा अफोर्डेबल आपके लिए हो गया था। ये अफोर्डेबिलिटी लेके आया था आप लोगों का इंटीग्रेटेड सर्किट वाला कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको कंप्यूटर दिखाए थे जिसकी साइज बहुत बड़ी थी और जब बड़ी साइज के कंप्यूटर्स होते हैं तो उसको अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉस्ट वाइज भी, स्पेस वाइज भी, हर तरीके से। अब ये खुश इसलिए इतना हो रही है क्योंकि आपके पास में नई टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी, ठीक है ना। अब देखो इस आईसी का क्या मतलब होता है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स लगा दिए जाते थे, अब क्या हुआ कि आपकी उस ट्रांजिस्टर या उस सर्किट की स्पेस को क्या कर दिया गया, छोटा, बट उसके अंदर इंटीग्रेशन को क्या कर दिया गया, बड़ा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर कुछ बड़ा बनाना, इंटीग्रेटेड सर्किट यही कॉन्सेप्ट था। अगर आपने कंपनी का नाम सुना होगा इंटेल, आप लोगों ने सुना ही होगा, इस बार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा, इंटेल प्रोसेसर। तो इंटेल जो कंपनी थी ना वो भैया यहां पर आई थी और इस जायंट कंपनी ने बहुत ही छोटी सी चीज बनाई थी जिसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। कम से कम स्पेस में लार्ज लेवल का इंटीग्रेशन करके बड़े बड़े टास्क को एक छोटे से चिप पर हम लेके आ गए थे। तो जहां पर प्रोसेसर के लिए पूरा एक रूम कंज्यूम करना पड़ता था, अब क्या करना है, उस छोटी से चिप को आप लगा दीजिए मदरबोर्ड पर और आपका प्रोसेसर खत्म, समझ गए, आपका जो प्रोसेसर है वो खत्म। तो यहां पर वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर्स और फिर हम किस पे आ गए थे, फिर हम आ गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर। इंटीग्रेटेड सर्किट और कुछ नहीं है, एक तरीके की सिलिकॉन चिप है जो कि हम एम्बेड करते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फॉर्म में, जो कि बेसिकली ट्रांजिस्टर्स, डायोड, रेजिस्टर्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। है ये भी सर्किट, बट सबसे बड़ा फायदा क्या है, उस बड़े से सर्किट को हमने एक छोटे से चिप पे लाके दे दिया, बट काम ये उससे बेहतर करके दे रही है, काम ये उससे ज्यादा करती है, बट है ये साइज में छोटी। होता ना कि छोटा बॉम्ब ज्यादा धमाका करता है, वो वाला सिचुएशन यहाँ पर आ गई थी। इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है और साथ ही साथ कंप्यूटर की इफिशियंसी के अंदर इसने वास्ट चेंज कर दिया था, इसीलिए ये प्राणी इतना खुश है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को देखकर, क्योंकि इसने वास्ट चेंज कर दिया था, स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी थी और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया था कंप्यूटर्स को, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंटली यूज होने लगे थे, दिखने लगे थे, आप लोगों को पता चलने लग गया था कि अच्छा कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, देख लीजिए है ना, मॉनिटर आप लोगों को देखने मिले थे। अभी मॉनिटर थोड़ा पुराने जमाने का ही चल रहा है, वो डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा वाला सिचुएशन ही चल रही थी, बट इनफैक्ट भाई पहली बार कोई चीज आ गई थी तो सबको लगा था बहुत ही कुछ बड़ा चेंज यहाँ पर हुआ है। ये आपकी दोनों पहली जनरेशन से कंपैरेटिवली सस्ता होता था, राइट, और आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर भी होता था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, ये एक तरीके की चिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप। ये आपका मदरबोर्ड है, ग्रीन कलर का जो प्लेटफॉर्म होता है सब लोग जानते ही हैं। ये क्या है, ये है आप लोगों का
चिप, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की दिखती है। आज के जमाने में मेमोरी की भी चिप आती है, प्रोसेसर की भी चिप आती है, कुल मिला के आप लोग अगर देखोगे ना तो सभी कुछ आप लोगों का इतना छोटे से सर्किट फॉर्म में आ गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म के अंदर, है ना। तो ये चीज है जो आप लोगों की यूज होती थी। यहां पर आपकी नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी थी, जैसे कि रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंक्रीज हो गया था, मल्टी टास्किंग सिस्टम्स आने लग गए थे, हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टन पहले आ गई थी, अब फोर्टन के अंदर एडवांसमेंट हुआ था 2 से लेकर 4 वाली, आपका पास्कल यहाँ पर आई थी लैंग्वेज, आपकी बेसिक लैंग्वेज एल्गोल, ये सारी लैंग्वेजेस थी जो यहाँ पर यूज होने लगी थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों का है PDP, पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग जो आप लोगों की होती है वो यहाँ पर यूज होने लगा था। इनफैक्ट IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का जो 360 सीरीज था वो भी आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही माना जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी, कौन कौन से सिस्टम आए थे, प्रोसेसर के लिए क्या यूज होता था, कुछ एग्जाम्पल है कि आप लोगों के डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इनको ज्यादातर आपको ध्यान रखना ही रखना है। अभी 2 फुल फॉर्म्स बताई थी, ये दोनों फुल फॉर्म से रिलेटेड चीजें हैं जो आप लोगों को मैंने लिख दी है, बेसिक की फुल फॉर्म और एल्गोल की फुल फॉर्म। सारी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, शायद ये बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम आ गए थे फोर्थ जनरेशन में। अब देखो मैं जो आपको बोल रही थी ना कि अलग अलग जगह अलग अलग डिफरेंस आपको मिलेगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग डिफरेंस मिल रहा है। 1974 एक जगह लिखा है और 1976 एक जगह लिखा है, तो ये डिफरेंस है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 2-4 साल ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है, मान के चलिएगा कोई इशू नहीं है, है ना। बस ये मानिए कि 1970 से 1990s तक आप लोगों का जो है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, माइन्यूट, और प्रोसेसर तो आप सब लोग जानते हो क्या होता है। अब कुल मिला के बात ऐसी है कि मैम इंटीग्रेटेड सर्किट हमको समझ में आ गया, उस बड़े से प्रोसेसर को, बड़े से डब्बे को हम एक छोटी सी चिप पे ले आए थे, सिलिकॉन चिप पर, वो समझ में आ गया। अब उस चिप के अंदर भी हमने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की, सोचो वो चिप की साइज तो रिड्यूस हो गई थी थर्ड जनरेशन में, जो एक मेजर चेंज था इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लाने का। अब वहां से हम उसी चिप के अंदर साइज को और ज्यादा छोटा करते जा रहे हैं और इंटीग्रेशन को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब काम वो और बेहतर करेगा बट साइज उसकी छोटी हो जाएगी। यही तो हम लोग चाहते हैं ना, कम से कम स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम हम कर ले, है ना, कम से कम स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान लोड कर लो, यही तो आपकी इच्छा होती है भाई। वही चीज है जो यहाँ पर हो रही थी। तो इसको बोलते हैं एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग। एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग इसे हम बोलते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स यहाँ पर बनाए जाते थे, ठीक है ना। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज होता था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब चिप छोटी और काम और ज्यादा बड़े, ठीक है। यहाँ पर इसको माइक्रो कंप्यूटर्स की एज भी बोला जाता है या माइक्रो प्रोसेसर की एज बोला जाता है। यहाँ पर पहली बार आप लोगों के नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होने लगे थे। आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आप सब लोग बहुत कॉमनली सुनते होंगे C, C++, वो यहाँ पर इन्वेंट हुई थी। सी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना। इससे पहले ए लैंग्वेज भी आई थी, बी लैंग्वेज भी आई थी, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा काम की कौन सी निकली? सी लैंग्वेज। डेनिस रिची सर ने इसे बनाया था और इसका नाम रखा गया था मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, क्योंकि इसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस बनी जो यूज की थी, जिसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा रही है हमारे कंप्यूटिंग हिस्ट्री में, वो सब सी के बेस पर ही बनी है, ठीक है। फिर C++ आपके पास में आई। लैंग्वेजेस अलग से एक क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि आपके सुपर कंप्यूटर्स भी इसी एज के अंदर आए थे, ठीक है। एज ऑफ सुपर कंप्यूटर भी आप इसे बोल सकते हो। तो आप लोगों का जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट था, इसकी मदद से हमने कंप्यूटर ही नहीं सुपर कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो फोर्थ जनरेशन में आया था, जिसका नाम था क्रे, ठीक है ना। तो क्रे था जो दुनिया का था जिसे यहाँ पर यूज किया गया था। अब क्योंकि यहाँ पर ईयर लिखा है 1990 या 1999 तक हम मान रहे हैं ना, 90s तक, आप सब लोग ने जानते होंगे कि जो आप लोगों का WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वो कब इन्वेंट हुआ था? 1990 में ही इन्वेंट हुआ था। टिम बर्नर्स ली ने इसे इन्वेंट किया था और इसीलिए नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सिग्निफिकेंट है और इसीलिए आप लोगों का इंटरनेट भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। फोर्थ जनरेशन वॉज दैट जनरेशन जहां पर कंप्यूटर घर घर पहुंच गया था। क्यों घर घर पहुंच गया था? क्योंकि इंटरनेट आ गया था। ऑल्दो अभी भी थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स बहुत रेयर लोगों के पास में होते थे, लोगों को समझ में आने लग गया था कि कंप्यूटर क्या होता है। फोर्थ जनरेशन में अब आपके साथ ऐसा हो गया था कि ऑलमोस्ट हर घर में एक कंप्यूटर होने लग गया था।
तो पर्सनल कंप्यूटर जो आपकी टर्म है, पीसी जो टर्म है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलराइज कब हुई थी? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुई थी. क्यों? क्योंकि इंटरनेट डेवलप हो गया था और इंटरनेट की वजह से घर घर ये समझ में आ गया था कि कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, क्या इसका एप्लीकेशन है. आप लोगों को अगर याद हो तो एक जमाने के अंदर ट्रेंड था किसका? साइबर कैफेज का. आज के जमाने में तो कोई साइबर कैफे नहीं जाता है, फिर भी होते हैं साइबर कैफेज. ऐसा नहीं कि ऑब्सोलेट हो गए, होते डेफिनेटली है, है ना, कहीं पर डेफिनेटली जहां पर अभी भी घर घर कंप्यूटर ना होता हो या जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है वो साइबर कैफे जाता होगा. अब तो हम सारे फॉर्म्स वगैरह सब रिजल्ट सब फॉर्म हम फोन पे कर लेते हैं ना सारे काम. पहले इन सब काम के लिए हम साइबर कैफे जाते थे. आप सबने डेफिनेटली, आप लोगों का 10th का रिजल्ट या अगर आप 90s किड हो तो आपने डेफिनेटली अपना 10th का रिजल्ट जो है वो साइबर कैफे में देखा होगा, या आपके 12th का रिजल्ट, 12th तो नहीं खैर बट 10th का रिजल्ट तो डेफिनेटली देखा होगा. अगर किसी के 8th में बोर्ड होते थे तो 8th आप लोगों का स्टैंडर्ड का रिजल्ट आपने डेफिनेटली साइबर कैफे पे देखा होगा. फॉर्म फिल करने जाते थे साइबर कैफे पे. उस जमाने के अंदर सोशल नेटवर्किंग चलती थी और कुछ, आप सभी लोगों को अगर याद हो, जैसे आज मेटा दैट इज फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, वैसे उस जमाने में कुछ चलता था, है ना. जीमेल पे अपना अकाउंट बनाना अगर होता था, आउटलुक पे अपना एक ईमेल अकाउंट आपको बनाना होता था, तो हम साइबर कैफे जाते थे, अगर आप सभी लोगों को याद हो तो. ये वो वाला जमाना है, है ना, थोड़ा सा ही पहले, ज्यादा पुराना नहीं है हमारे लिए. और उसके बाद में इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आया था कौन? एप्पल भाई, ठीक है ना. एप्पल को अगर हम लोग बात करें तो एप्पल भी है जो आप लोगों का 1970s में ही आया था, ठीक है ना. 72 के अंदर हम मानते हैं कि इन्होंने अपना काम निकालना शुरू किया, ठीक है. तो जो आप लोगों का एप्पल कंप्यूटर्स है वो भी यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए थे. टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गया था. कुछ ऐसे लकी व्यक्ति थे जिनके पास में एप्पल के कंप्यूटर्स होते थे, बहुत महंगे आते थे. आज भी बहुत महंगे आते हैं पर उस जमाने में तो और भी ज्यादा महंगे होते थे. अब आपके मॉनिटर जो भी है वो अलग अलग तरीके के आने लगे थे. पहले के जमाने में अगर हम बात करें तो जो आपका मॉनिटर है वो CRT मॉनिटर होते थे, बड़े बड़े डब्बे होते थे. आज के ज़माने के मॉनिटर्स जो है वो थोड़े अलग होते हैं, स्लीक होते हैं, पतले होते हैं, इवन अब तो कर्व्ड भी आने लगे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होने लगा था. पहले के ज़माने में हर चीज़, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, कमांड के फॉर्मेट के अंदर होती थी. अब क्या है, हर चीज़ ग्राफिक्स के फॉर्मेट में होती है. आप अपना कंप्यूटर खोलो और आपको इस तरीके के आइकन्स दिखते थे, आइकन पे क्लिक करो समझ में आ जाता था, सबको समझ में आता था कि अच्छा इसको ओपन करते माय कंप्यूटर ओपन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आइकन से पहचान होती थी, आइकन से, ठीक है. पहले नहीं होता था, पहले हर चीज के लिए कमांड देनी पड़ती थी. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पर यूज होता था. आप लोगों की ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे पहले के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए थे, अफोर्डेबल हो गए थे, घर घर पहुंच गए थे, ठीक है ना. एप्पल की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली पीसी की बात कर रही हूँ. एप्पल तो आज भी घर घर नहीं होगा भाई, ठीक है. और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में खूब सारा पैसा लगाया गया टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, और भर भर के पैसा जो है वो आपके प्रोसेसर को बनाने के लिए लगाया गया. इसीलिए ये GIF मैंने यूज किया है कि ये व्यक्ति आप देख सकते हैं इसके पास में जितनी भी धन दौलत है, जो भी पैसा है, सब जो है वो लगा रहा है. ये क्या है, CPU का केस है, इफ यू रिमेंबर. तो भाई अब जो टेक्नोलॉजी आई ना, उसमें जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना कोई सस्ता काम तो है नहीं. वैक्यूम ट्यूब सस्ती किसके लिए थी, रिसर्चर के लिए बनाना, उसको सस्ता था, हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था, ठीक है. फिर आज एक जमाना आ गया कि कंप्यूटर सबके लिए अफोर्डेबल है, बट कंप्यूटर का जो प्रोसेसर का खर्चा है, जो कंपनी उसे बना रही, वो भर भर के पैसा इसके अंदर लगा रही है. क्यों? क्योंकि वही इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेके आ रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, बहुत सारी चीजें जो आपको लेके आ रही है. आज के जमाने के अंदर जो कंप्यूटिंग लेवल हो गया है भैया, ये बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है, ठीक है. तो अब कुछ इस तरीके के टैबलॉइड्स, टैब्स आप लोगों के पास में आने लगे हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों का आगे चला गया है. बिल्कुल सही बात है ना, लग्जरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं. तो अब जो नई जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, जो फिफ्थ जनरेशन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना. ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल होता है. पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर आप आसानी से लेके जा सकते हो, जैसे कि आपका टैब, लैपटॉप, ये सारी चीजें. इट डज नॉट रिक्वायर मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स. जैसे पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसको असेंबल करना पड़ता था. आप लोगों ने अगर पर्सनल कंप्यूटर अपने घर में खरीदा होगा तो आपने देखा होगा कि आपने अलग अलग मॉनिटर खरीदा होगा, फिर बोर्ड खरीदा होगा, फिर केस आया होगा, फिर उन सबको एक साथ एक मैकेनिक आया होगा या एक टेक्निकल असिस्टेंट आया होगा जिसने असेंबल करके आपके सिस्टम के अंदर एक CD के थ्रू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड किया होगा, फिर आपका सिस्टम चला होगा. असेंबल करना पड़ता था. अब ऐसा नहीं है, लैपटॉप लाओ,
खोलो, सॉफ्टवेयर डालो, काम करना शुरू। तो अब के कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है, है ना। आज का कंप्यूटर मतलब लैपटॉप, आप ये मान के चलिए। यहाँ पर आप लोगों का जो इंटेल है उसका माइक्रो प्रोसेसर चिप बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में यूज होता है, इसीलिए भैया ये बहुत ज्यादा पैसा, ये लग्जरी वाली चीज है। कुछ इस तरीके के लैपटॉप सीपीयू केस सब देखने लगे हैं। अगर किसी भी गेमर को कभी आपने देखा होगा, क्यों, उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड होती है, मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, प्रोसेसर बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए, बड़े बड़े अपलोड्स होते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने पबजी तो डेफिनेटली खेला होगा, तो 1 GB का आप लोगों को वहाँ पे मेमोरी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा फैसिलिटीज उतने ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। तो भाई ऐसे ऐसे आपके सीपीयू केस भी आज के जमाने में बनने लगे हैं। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा 18 inches, 16 inches, 22 inches का मॉनिटर आप लोगों का कंप्यूटर पे लगा दिया जाता है। पहले के जमाने में इस तरीके का सीधा सीधा आप लोगों का क्या होता था, मॉनिटर दिखता था। अब आज के जमाने में और ज्यादा आप लोगों को लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कर्व्ड लैपटॉप्स भी आने लगे, कर्व्ड मॉनिटर्स, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि जिससे एंगल कर्व होता है और बेहतर कलर आपको दिखता है। मॉनिटर का काम क्या है, आपको अच्छा विजुअल देना, तो और ज्यादा इंप्रूव्ड विजुअल्स आपको दिए जाते हैं। पैसा बहुत ज्यादा लगता है उन सब चीजों के अंदर, बट वही बात है कि लग्जरी है, यही नई टेक्नोलॉजी है, यही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसे हम बोलते हैं एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सारे टर्म्स यहाँ पर आए थे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आप लोगों से पूछा जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने लगे, सुपर कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने लगा, आपके .NET, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस है जो यहाँ पर आने लगी। अब एक है जनरेशन ऑफ लैंग्वेज और एक है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, है ना। तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर आपकी यूज होने लगी। सिंगल चिप पर क्या क्या होता था ये आप लोगों को पता होने लगा। तो कुल मिला के आपको जितना भी कंफ्यूजिंग ये टॉपिक लग रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है अरे कभी खेला नहीं पबजी, पर देखा तो होगा, अरे सुना तो होगा, बैन हो गया, इतना चर्चा हुआ है, तो क्या न्यूज में भी नहीं सुना होगा? सुना तो डेफिनेटली होगा ना पबजी के बारे में, तो वो बता रही हूँ कि कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो बेसिकली ये सारी वैक्यूम ट्यूब्स है आप लोगों की, देख सकते हैं ना, ये सारी वैक्यूम ट्यूब्स है। तो सोचो कि एक ऐसी वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके दूसरा लगाना पड़ता था अगर एक भी खराब हो जाती थी। तो कुल मिला के हम फर्स्ट जनरेशन से कहाँ पहुंच गए, सेकंड जनरेशन, फिर ऐसे, मतलब कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं आज के जमाने के अंदर। तो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था जो आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे ज्यादा यूज होते थे। ये तो सिर्फ मेयरली कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम यूज करते थे, एक एडिशन करने के लिए 1 दिन लगता था, मतलब 2+3 करना है तो आज इनपुट दोगे तो 24 घंटे बाद आउटपुट मिलेगा 5। इस तरीके के जनरेशन से हम कहाँ पहुंच गए हैं, ये तो फोर्थ जनरेशन तक हम लोगों ने बात करी। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आपकी टेक्नोलॉजी है जो फिफ्थ जनरेशन में आ गई है। कुछ इस तरीके के सीपीयू केसेस आपको देखने मिलते हैं, और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है ये, ठीक है ना, फ्यूचर है ये, किस तरीके से VI का यूज करके, VA का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। जो 6th जनरेशन बोली जाती है ना, वो यही है, वो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है कि अब यहाँ हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे भी आपने देख ही लिया होगा, हम एक मशीन को इंटेलिजेंट बना दे रहे हैं, हम रोबोट बना दे रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अब यही हमारा जनरेशन है कि इस तरीके से हवा में आपको चीजें दिखने वाली है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक पहुंचने तक का जो हमारा सफर था वो है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ ये किसकी दिखा रही हूँ, ये INEC की दिखा रही हूँ भाई, ठीक है ना। INEC एक कैलकुलेशन के लिए 19,000 पॉसिबिलिटीज होती थी, इमेजिन वहां से हम कहाँ तक आ गए हैं। तो इम्प्रूव बहुत ज्यादा हुए हैं, पैसा बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। आज में आप जितना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लोगे, जैसे इस तरीके के सीपीयू केसेस खरीदने के लिए हजारों रुपए, आपको लाखों रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। पर बात वही है कि आपको जितना ज्यादा लग्जरी चाहिए उतना ज्यादा आपको क्या होना चाहिए, उतनी ज्यादा आप लोगों को पैसा देना होता है, उतनी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी आपकी क्रिएट करनी पड़ती है। तो कुल मिला के बात जो है कि आपको जो भी कंफ्यूजिंग चीजें लगती है उसे मैं थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ। और मैंने जैसे आपको बोला था 3 डायग्राम इस क्लास के लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी। सबसे पहली ये डायग्राम, इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है पहला जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरा जनरेशन ट्रांजिस्टर, तीसरा जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा जनरेशन आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवा जनरेशन जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर आ गया है। आपको क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले तो ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बनता है। इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको बोला जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको बोला जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन बोल सकते हो इसको,
और इसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ये क्या है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा मदद करेगा ये स्क्रीनशॉट आपकी। अब अगली चीज जो आपको काम आने वाली है, वो काम आने वाली है ये टेबल। इस टेबल में मैंने आपको सारी की सारी चीजें इन शॉर्ट लिखकर दे दी है कि आपका फर्स्ट जनरेशन का ईयर कौन सा है, सेकंड का ईयर कौन सा है, थर्ड का ईयर कौन सा है, फोर्थ का ईयर कौन सा है और फिफ्थ का ईयर कौन सा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर के एग्जाम्पल से जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के जो भी मैंने आज आपको कहानी सुनाई, जो भी टेबल आप लोग, जो भी आपको कंटेंट दिया, वो सब मैंने समराइज कर दिया इस टेबल के अंदर, सो दैट आपको कभी ऐसा ना लगे कि मैम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है या याद कैसे रखेंगे। आपको ये टेबल रिवाइज पर्पज के लिए रखनी है तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी, अरे कुछ बोलो भाई, इतनी मेहनत से कुछ जो पढ़ाया है, समझ में आया नहीं समझ में आया, लग दिख रहा है ना कि आपके लिए कुछ स्पेशल है जो किया है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग कहाँ यूज होती थी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे के सारे क्वेश्चन इससे और इससे, इन दोनों कॉलम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। देन अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अब फ्यूचर क्या है, अब फ्यूचर ये है कि एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि कंप्यूटर आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। तो देखो सीन ऐसा है कि ह्यूमन बींग्स का तो पता नहीं, ठीक है ना, जिस हिसाब से कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं और जो पैसा खर्च हो रहा है, तो इंसान का तो पता नहीं, बट हाँ एक स्केलेटन जरूर है जो अब आपके काम संभालेगा कंप्यूटर के। तो इस नोट पे आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। आपको जो मैंने जनरेशन पढ़ाई है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और शायद कहाँ पहुँच जाएंगे, वो ऐसा होने वाला है कि हाँ ह्यूमन बींग बचे या ना बचे, वो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली आप लोगों की आग लगाती रहेगी, पैसा आपका लगता रहेगा, बहुत सारा काम है जो आपका होता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये GIF मैंने लगाया यहाँ पर कि हम बचे ना बचे, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है जो आपके आगे पहुंचती ही जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आज की सेशन आप लोगों को मजेदार लगा होगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एटलीस्ट दो बार अगर नहीं देखोगे तो मुझे नहीं लगता चीजें रजिस्टर होगी दिमाग में, तो देख लीजिएगा, अपनी स्पीड पे देख लेना, कम करके या ज्यादा करके जैसे आपकी मर्जी हो। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल पे बैच चल रहा है, 11 बजे आज भी इसकी क्लास है, करंट अफेयर कराऊंगी इसके अंदर, फ्री क्लास है, रेफरल कोड Aditi10 लगा के एंटर कर लीजिएगा। लक्ष्य बैच पेड बैच चल रहा है जो कि मंडे टू सैटरडे होता है 4:30 बजे, पेपर 1 पेपर 2 का, और ये है आप लोगों का प्रारंभ बैच। कल भी आप लोगों की क्लास होगी प्रारंभ बैच के अंदर ICT की, कल इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस पढ़ाऊंगी। आज तो ऐसे ही स्पेशल क्लास ले ली थी, संडे के दिन था, मुझे लगा सब लोग रिलैक्स मूड है तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी दोनों बैचेस आपके चल रहे हैं, फ्री वाला भी और पेड वाला भी। कंटेंट में कुछ इशू लगे तो बग्स बाउंटी पे जाके आप लोग रिपोर्ट कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस आप लोगों के सामने हैं, आराम से आप इसे देख सकते हैं, टोटली फ्री होती है ये, इसे आप चाहो तो लाइव भी देख सकते हो और इसे आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है जी। तो हमारी क्लास जो है वो 11 AM होती है, आज भी है, करंट अफेयर इसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगी, क्वेश्चंस रिकॉर्डेड भी देख सकते हो अगर आप 11 बजे बिजी हो तो, ठीक है जी। चलिए जी, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन को देखकर आपको मजा आया होगा। कोशिश की है कि एक ही क्लास के अंदर सारा का सारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को क्लब कर दूं, असेंबल कर दूं, सो दैट आपको कभी किसी और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो PDF इसकी मैं पिन कर दूंगी आप लोगों के लिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों की हेल्प मुझे रिक्वायर होगी अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, ICT पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 समझना चाहते हैं, उनके साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने कॉलेज के ग्रुप पे, अपने सब जगह जहां पर आपको लगता है कि इसकी डिमांड हो सकती है वहां पर शेयर करना। एक और छोटा सा काम, कमेंट करके जरूर बताना है आप सभी लोगों को कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, चाहे जो भी आपको लगता हो, बट कमेंट करके बताना जरूर है, ठीक है जी। तो सभी लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ सही डायरेक्शन में कर रही हूँ। बाकी आपको कुछ लगता है कि मैम ये कर सकते हैं या ये बेहतर हो सकता है, वो भी आप जरूर बताइएगा, तो आपका फीडबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलेंगे आप लोगों से अब 11 बजे जब मैं पढ़ूंगी आप लोगों को करंट अफेयर के कुछ MCQs। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।